ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू शिवलिंग फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पीएनजी का यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा गाइस, ये जो वीडियो है गाइस, इसमें जो आपको शिवलिंग का जो मतलब पीएनजी गाइस वो कैसे लगाना है वो थोड़ा गाइस थोड़ा हार्ड हो सकता है अगर आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हो। तो गाइस, बस आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि मैंने गाइस आपको मतलब उसमें इजी स्टेप में बताया कि आप जो शिवलिंग का पीएनजी कैसे लगा सकते हो। एंड गाइस, आपको शूट वगैरह वो भी कैसे करना वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आपसे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस आपको ये करना गाइस, आपको जो हाइट है मतलब मॉडल की वो कुछ स्टेप से इतनी रखनी है, एंड इसको ऐसे साइड में रखना है, ठीक है गाइस। तो इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना गाइस यहां से मतलब कि साइज को जो है मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस, ठीक है। मतलब शिवलिंग का जो पीएनजी ना उतना ही रखना है उसके हिसाब से। तो मैं भी आपको पीएनजी भी दिखाऊंगा कि गाइस उसकी हाइट कितनी है। तो अभी हम इसको कुछ स्टेप्स यहाँ पे रख लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे जाएंगे हम ऐड फोटो में, एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हम यहाँ से ऐड करेंगे शिवलिंग की पीएनजी। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे जो है गाइस आपको साइज को जैसे रखना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे इतना। एंड मतलब कि ना आपका जो मतलब फेस है ना, जो आपका जो साइड में जैसे मतलब देख रहा होगा आपको सारविंदर भाई ने जैसे मतलब अपने फेस को जो ऐसे रख रखा है, तो गाइस आपको कुछ स्टेप से आपको हाइट रखना है इसका, एंड इसकी ओपेसिटी जो आपको अभी कम रखनी है, क्योंकि गाइस अभी आपको रेजर टूल में जाना है, एंड रेजर टूल में जाकर आपको उसकी हार्डनेस फुल करनी है, एंड उसका साइज को कुछ इतना रखना है। एंड उसके बाद गाइस जो आपको यहाँ पे फोटो को जूम करना है, एंड उसके बाद जो फिंगर्स वाले जितने भी एरिया हैं आपको उसको फटाफट से इरेज कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट इरेज करता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। सो गाइस यहाँ पे देखिए गाइस, हमने जो यहाँ पे अच्छे तरीके से तो यहाँ पे इसको पीएनजी को लगा लिया है। तो गाइस अब क्या करना है आप सभी को, अब गाइस हम इसमें कुछ थोड़े से स्मोक का पीएनजी हम यूज़ करेंगे इसमें थोड़ा सा, मतलब कि जो मतलब की फोटो जो है मतलब नीचे से स्मोक आ रहा हो, ताकि जो हमारा नीचे से भी थोड़ा अच्छा लगे फोटो, कि मतलब आप स्काई में बैठे हुए ऐसा दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो में, एंड यहाँ से ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम ऐड करेंगे स्मोक का पीएनजी। तो हम चलते हैं यहाँ से सीधे डायरेक्ट ऐड फोटो में, एंड यहाँ से ऐड करते हैं हम ऐड स्मोक के पीएनजी को। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया है। अब क्या करना है गाइस आपको, आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, एंड इसको करना स्क्रीन, एंड उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करना है, एंड इसको जिस टाइप से ऐसे रख देना है नीचे की साइड में, एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम कर लेते हैं डन। अब गाइस यहाँ पे हमारा पिक साइड का काम खत्म होता है, तो अब हम इस फोटो यहाँ पे सेव करेंगे, एंड इसको लेके चलेंगे ऐसे लाइट रूम ऐप में। तो इसको हम ले चलते हैं,
एंड यहाँ पे लाइट रूम मैप में हमने फोटो को पहले से ऐड कर रखा था, तो हम जाएंगे इस लाइट वाला ऑप्शन में। पहले तो हम इसका कॉन्ट्रास्ट जो है इसको हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्लस की तरफ रखेंगे, एंड जो हाईलाइट है इसको हम थोड़ा माइनस, एंड जो शेडो है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे प्लस, एंड जो वाइट है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे माइनस, एंड इसके बाद जो ब्लैक है इसको यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज। फिर जाएंगे हम यहाँ से कलर्स में, हम यहाँ पे गाइस इसका वाइब्रेशन बढ़ाएंगे। फोटो में जो टेम्परेचर दिख रहा है आपको फर्स्ट पे उसको थोड़ा सा माइनस करना है ताकि थोड़ा सा ब्लू टोन आ जाए फोटो में। फिर जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके सैचुरेशन माइनस करना है, एंड जाना आपको येलो कलर में इसका ह्यू माइनस करना है, एंड जाना आपको डार्क ब्लू में इसका ह्यू जो है आपको यहाँ पे प्लस कर देना है, एंड सैचुरेशन को यहाँ पे प्लस कर देना है। फिर उसके बाद आपको करना है यहाँ पे डन, एंड उसके बाद आपको यहाँ से जाना कलर के नीचे लाइट रूम में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है। फोटो में जो विग्नेट है वो तो मत डालना इसमें, क्योंकि यार वाइट फोटो है तो इसमें विग्नेट मत डालना। फिर आपको ग्रेन अमाउंट बढ़ाना है, नीचे वाले टूल में जाकर शार्पनेस बढ़ानी है, नॉइज रिडक्शन बढ़ाना है, एंड इसके नीचे में आपको कलर नॉइज रिडक्शन आपको इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।